हेलो गाइस वेलकम बैक टू मई चैनल के एन अकेडमी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एंड मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि फ्रेशर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ओके okay? तो इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम जेनॉन स्टॉक दे आर हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपकी फ्रेशर की फुल टाइम जॉब होने वाली है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ओके सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है लाइक यू शुड हैव फैमिलियरिटी विद एजाइल डेवलपमेंट मेथोलॉजीज नॉलेज रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट टेस्ट एनवायरमेंट नॉलेज ऑफ कोडिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा जावास्क्रिप्ट गोलैंग रस्ट आई पाइथन एक्सपीरियंस विद एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइक ओ आर एम फ्रेमवर्क सो बेसिकली जो टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपको थोड़ा सा एज एन मैथोलॉजी आना चाहिए एंड कोई भी एक प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक सी प्लस प्लस जब आप पाए थे कोई भी अगर आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रॉंग है देन यू शुड है ओके प्रोफेशनल जो आपके एट्रीब्यूट्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्वर विजुअल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कहीं से आप टोटल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन क्या क्या है टेक्निकल ग्रेजुएट लाइक फ्रॉम आपके डिफरेंट ब्रांच के हैं जो आपके टेक्निकल ग्रेजुएट हैं आई स्टूडेंट्स हैं बी सी बी एस सी बी टेक एंड एम एस सी एम टेक एम सी बी प्रोग्रामिंग स्किल्स सो आपके बी सी ए के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं बी एस सी के बी टेक एंड एम एस सी एम टेक के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे डिग्री मैंसन है वो सारे स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो लोकेशन है आपकी मोहाली आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वर्क एंगेजमेंट आपका इन ऑफिस हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस सो एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी गई डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है प्लस फ्रॉम सेंसू ए आई टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से गएस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है इफ यू आर लुकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप जिसमें आपका स्टैपमेंट होने वाला है फिफ्टीन के से ट्वेंटी के ड्यूरेशन आपके होने वाले सिक्स मंथ एंड अगर मैं जॉब ऑफर के बारे में बात करूँ जिसमें आपको अगर परफॉर्मेंस की बेसिस पे यहाँ पे फोर एल पी से फाइव एल पी ए का समथिंग आपको यहाँ पे जॉब ऑफर भी मिल सकता है एंड यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो है नोएडा नॉट टॉकिंग अबाउट दी सीजीपी यहाँ पर जो सी जी पी की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट यू शुड है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन से बैच के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री आपके ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी थ्री बैच तक के अप्लाई कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो जो रिक्वायरमेंट्स एज ए डेटा एनालिस्ट के पास होना चाहिए लाइक डेटा स्किल्स पांडा की नॉलेज पायथन की नॉलेज यू शुड है सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट जो स्किल्स हैं बट आपकी डिग्री होना चाहिए वो रिलेवेंट फील्ड में डिग्री आपकी होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सो एज अ डेटा एनालिस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी एज अ फुल स्टेक डेवलपर की इंटर्नशिप होने वाली है फ्रॉम ट्रांस ट कंपनी की तरफ से दे आर हायरिंग फॉर बेंगलोर लोकेशन इसमें आपका स्टार्टमेंट होने वाला है एट के से लेकर टेन के एंड सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे क्या है आपका वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस लोकेशन में रिमोटली आपकी वर्क uh, होने वाला है स्किल्स आपके आपके पास होना चाहिए पाइथन रिएक्ट जीएस एस टी ऐसा फुल एज डेवलपर आपको फ्रंट एंड की नॉलेज एंड बैक एंड की नॉलेज होना चाहिए सो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एज अ फुल फुलस्टेक डेवलपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉट टॉक अपॉर्चुनिटी फेस ए आई फेसॉफ्ट ए आई करेंटरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आपका गई थ्री मंथस का थ्री मंथ फुल टाइम कुड बी एक्सटेंडेड और कन्वर्टेड टू एम्प्लॉयमेंट सो कैसे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है आपका यहाँ पे इंटर्नशिप पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है एंड परमानेंट एम्प्लॉय का फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट भी हो सकता है बेस्ट अपॉन यफॉर्मेंस एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हंड्रेड परसेंट रिमोट वर्किंग विथ रेगुलर ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो मीटिंग्स सो so, आप सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है वर्क फ्रॉम होम हंड्रेड परसेंट आपका रिमोट इंटर्नशिप होने वाला है रिमोट बेसिकली जॉब होने वाला है अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है तो आप एज अ फ्रेशर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी फिन ऑफ एआई कंपनी की तरफ से आपको इस मिल सकती है तो so, काफी अच्छी काफी इम्पोर्टेंट हार अपॉर्चुनिटी है सो एज अ फ्रेशर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं डेट यू शुड है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस

एक्सपी टेक्नोलॉजी की तरफ से दे आर हायरिंग फॉर डेब ओप्स इंजीनियर यहाँ पे आपका जो सैली होने वाला हैलपीए जॉब टाइप आपका एन ऑफिस होने वाला है बिकॉज दे आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट लेगा इफ यू हैव रिलेटेड एक्सपीरियंस देन आपके लिए यहाँ पे काफी एडवांटेज है अगर आप फ्रेशर भी है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पे कुछ मेन साइक सिक्स मंथ टू वन ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास डेव ऑप्स के कोई भी नो नॉलेज है कोई भी सर्टिफिकेशन है स्किल्स है यहाँ पे जो स्किल्स है आपको होना चाहिए जेंकिब्लू एस गिट शेल राइट जो डेबो इसके uh, लिए इंपोर्टेंट मानी जाते हैं क्योंकि क्या होता है आपका मल्टीपल स्किल्स आपके पास होना चाहिए इफ़ यू हैव मल्टीपल स्किल सेट देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई सो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ डेबोपसी इंजीनियर नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मर्सिडीज दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके okay, मर्सिडीज की तरफ से आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब होने वाली है क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी है क्या मैंडेटरी स्किल सेट है तो मैं एडवांस सी प्लस 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 प्रोग्रामिंग स्किल्स है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस क्योंकि आपका यहाँ पे टास्क एंड रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो सी प्लस प्लस ज्यादा होने वाला है एंड ओप्स इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन सो अगर आपके पास सी प्लस प्लस की एडवांस नॉलेज है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मर्सडीज ओके सो गाइस अगर आप फ्रेशर हैं तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम मर्सिडीज नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रक एक्स दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर इंटर्नशिप का आपका जो लोकेशन होने वाला है वो है पुणे दे आर हायरिंग फॉर पुणे लोकेशन एंड यहां पे जो रिक्वायरमेंट्स uh, है लाइक एक्सपीरियंस इन पाइथन डिजाइन को बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में आपकी पायथन के यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा है अगर आपके पास पायथन एंड डिजाइन को फ्रेमवर्क वर्की नॉलेज है and, and अगर आपको थोड़ा सा नोट जीएस की भी नॉलेज है देन तो भी आपके यहाँ पे वर्क हो जाएगा आप अपलाई तो कर सकते हैं एटलीस्ट एंड पायथन के यहाँ पे जो प्रेफरेंस है अगर आपके पास पायथन की नॉलेज है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल भी होते हैं एंड इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं एंड दिस इज फॉर सिक्स मंथ आपका डिविजन होने वाला है सिक्स मंथ फॉर पुणे लोकेशन ओके सो गाइस इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है फुल अपनी ए वाली डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक फुल नेम ईमेल फोन नंबर लिंक्डइन यूआरएल देन यू कैन सबमिट योर रिज्यूमे ओवर हियर ओके व डिस्कडट मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश वेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि अभी इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं सो डिफरेंट डिफरेंट फीस लाइक पॉलिस्टेक डेवलपर डेटा अनलिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड असोसिएट सॉफ्टवेयर इंजियर एक डिफरेंट फील्ड में हमने फुल टाइम जॉब्स एंड इंटर्नशिप अपॉपर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया है सो आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड आगे की वीडियो में हम और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे सो थैंक यू वाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग